ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿੰਮੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਰਨੀਵਲ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਮੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਔਰ ਜੀਤੂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ 3 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਮੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰੈਡੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਮੇ ਬੀ ਸਿੰਮੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗੀ ਮੋਹਨ ਨਗਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ। मैं ना पार्किंग का पता करने के लिए आई थी, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरी पार्किंग का पता चल गया। सो मैं यहीं से व्लॉग शूट कर रही हूँ। मंदिर ये वाला है? हाँ, उसके अंदर ना फिर कैमरा वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं है। चलो 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 आगे चलो। ये है मंदिर। यहाँ पर एक्चुअली हम अंदर मंदिर के रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर अलाउ नहीं करा गया है इस चीज़ के लिए। सो अभी हमारी एंट्री हो गई है। जस्ट अभी कितना टाइम हुआ है, 5:41 अराउंड हो गए हैं हम लोगों को घर से। हम लोग मे बी 4:30 अराउंड हम निकल गए थे, बाकी 20 मिनट ट्रैफिक भी हमें काफ़ी मिला। और ये व्यू है यहाँ का, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ पर। ये गणेश जी की यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति लगा रखी है, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है ये। यहाँ पे हम सब प्रसाद ले रहे हैं। Thank you.
बूजी हार। This one view बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये डोर्स हैं यहाँ के, डोर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, सो ब्यूटीफुल। लेट्स गो नाउ, अभी हम वहीं जा रहे हैं जहाँ पे आपको मैं आपको दिखा रही थी। चलिए देखिए, लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा पार्क है बना हुआ पीछे। व्यू देखो, बहुत प्यारा व्यू। अगर आपने कभी अकेले से बैठना हो सब, और ये काश मेरे को इसको मैं पंडित जी ने आज जैसे हमने प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद इसको गले में चूल्हे पहनाए, और ये क्लोजली व्यू देखा जाए तो इस टाइप का है। और ये इधर ये लाइट्स प्रॉपर नहीं है सो इसलिए प्रॉपरली नहीं हम देख पा रहे, बट ये लुक एट दिस, बहुत सुंदर बना हुआ है, सो ब्यूटीफुल। हियर्स द क्रोकोडाइल, इसमें पानी इतना नहीं है। ये माता गंगा जी का भी वहाँ पर सॉरी पूरा बनाया हुआ है, जब गंगा जी यहाँ पर कहते अर्थ पे जब आए थे ये तब का है व्यू बनाया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल। आज की थोड़ी सी अमेजिंग चीज़ हम लोग ये रही कि मुझे ना तो वैसे कह लो कि वैसे लगा था कि हम लोग अंदर शूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वैसे भी रिलीजियस जगह पे बंद हो, कैमराज वगैरह सब बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि सब लोगों को बस खाली ये आउटसाइड कभी ज़्यादातर इसलिए बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। कोई मतलब कह लें कि थोड़ा रिलीजियस वे में कुछ बैठता नहीं है, कुछ दे करता भी अपना थोड़ा सा, तो इसलिए हम लोगों को लगा था कि हम शायद नहीं कर पाएंगे, बट कोई भी इतनी भीड़ नहीं थी मिली हम लोगों को, और तो उसी बात से फिर अंदर जाके वैसे भी कोई इतनी भीड़ नहीं थी और कोई सब लोग ही फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तो इसलिए फिर और वैसे भी कोई रोकने वाला भी नहीं था, किसी ने कुछ कहा भी नहीं फ़ोटोज़ वगैरह के लिए, तो हम लोग वहाँ पे फिर वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने लग गए थे। उसके बाद बहुत अमेजिंग बना रखा है, मैं